बृहत एवं लघु में। ठीक है, तो इसके कुछ नियम है। नियम नंबर एक लिखिए, सबसे पहले समान चिन्ह में तुलना हो, समान चिन्ह में तुलना हो तो वही चिन्ह आएगा, हो तो वही चिन्ह आएगा। ठीक है, यानी समान यदि चिन्ह से अगर तुलना हो रही है, कोई भी चिन्ह है, तो वही चिन्ह आएगा। ठीक है, दूसरा नहीं आएगा। अगला है नियम नंबर दूसरा, विपरीत चिन्ह में कोई संबंध नहीं होगा। विपरीत चिन्ह में कोई संबंध नहीं होगा। नियम नंबर तीसरा लिखिए, पहले आप नियम लिख लीजिए सभी, उसके बाद में एक एक करके नियम आपको सभी समझा दूंगा, उसके बाद प्रश्न करेंगे। नियम तीसरा है, अगर निष्कर्ष हो तो A इज ग्रेटर देन C, A इज इक्वल टू C, इस तरीके से अगर आपको दिए जाए तब वहां क्या होगा, में या वाली स्थिति आ जाएगी, या तो पहला या दूसरा, या वाली स्थिति आ जाएगी। ठीक है, यदि A ग्रेटर देन इज इक्वल टू C दिया गया है, तो वहां पर यदि इस तरीके से दिए गए A इज ग्रेटर देन C और दूसरा दिया A इज इक्वल टू C, तो वहां पर क्या होगा, या तो पहला या दूसरे वाली स्थिति आ जाएगी। अगला नियम है, यदि बराबर की तुलना बराबर के चिन्ह की तुलना किसी अन्य चिन्ह से की जाए, किसी अन्य चिन्ह से की जाए तो वह अन्य प्रतीक, तो वह अन्य प्रतीक हमारा उत्तर होगा। तो वह अन्य प्रतीक जो होगा, चिन्ह जो होगा, वो क्या होगा, हमारा उत्तर होगा। ठीक है, इसे नोट करो पहले, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके। कर लिए सभी ने नोट, चलो तो समझ भी लो। पहला जो कहा गया है, जिस तरीके से कहा गया है, समान चिन्ह में तुलना हो तो वही चिन्ह आएगा। जैसे चिन्ह कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होने चाहिए, ये कौन सा है, ग्रेटर देन, ए ग्रेटर देन अगर बी है, ए ये कौन सा है, स्मॉलर देन है या लेस देन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू बी, ए लेस देन इज इक्वल टू बी, या ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब एक चीज बहुत से छात्र ये नहीं समझते होंगे, जैसे मान लो यहां पे संख्याएं लिखी हैं, यहां पे मान लो आपका लिखा है कोई भी लेटर लिखा है ए और इस तरीके से बी लिखा है, अब आपसे बहुत से तो ये नहीं जानते इसमें बड़ा कौन सा छोटा है, बता सकते हो हैं? अब जैसे बहुत से को नहीं पता, देखो इधर मौ ज्यादा बड़ा खुला हुआ है तो इधर बड़ी संख्या होगी हमेशा,
और इधर कम खुला हुआ है तो इधर छोटी संख्या, बस इतना याद रखो ठीक है। जिधर बड़ा खुला हुआ हो उधर बड़ी संख्या आएगी, उधर कम हो उधर छोटी संख्या आएगी। आपका जो नियम नंबर पहला कह रहा है कि समान चिन्ह में यदि तुलना हो रही है तो समान चिन्ह ही आएगा। यदि आप इन्हें अच्छे से समझ लेते हो तो आप सवाल अच्छे से कर लोगे, यही समझने वाली चीज है। जैसे सवाल दिया गया है ए इज ग्रेटर देन बी लेस देन सी। अब यहां पे आपसे जैसे समान चिन्ह में तुलना हो रही है, अब दोनों जगह क्या समान चिन्ह आ रहे हैं? जैसे यहां पे आप कह दिया ए ग्रेटर देन सी दिया गया, असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्ह है तो ये कैसा हो जाएगा? गलत। यदि यहां भी समान चिन्ह है दोनों जगह, तो यहां पे ए इज ग्रेटर देन यदि बी है सही है कि नहीं है, क्योंकि तो दोनों जगह क्या है समान चिन्ह है, या ए इज ग्रेटर देन सी है चिन्ह है, तब क्या है हमारा सही है। क्यों? क्योंकि तो समान चिन्ह की तुलना दी जा रही है। अब यहां पे लेस देन इस तरीके से आ जाए तो यहां पे यदि लेस देन आ रहा है तभी सही होगा, यदि यहां पे आपका इज ग्रेटर देन आ रहा है तो ये कैसा है? गलत है। समान चिन्ह में समान ही आना चाहिए। अब दूसरा नियम, पहला वाला समझ में आ गया, दूसरा ये है विपरीत चिन्ह में कोई संबंध नहीं होगा। अब विपरीत चिन्ह यहां पर आ जाए और आपसे सवाल में क्या कहा जाए ए ग्रेटर देन सी, तो यहां क्या सही होगा? नहीं होगा। क्यों? एक में सीधा चिन्ह एक मोड़ना, समान यदि चिन्ह आ रहे तभी ये सही होगा, वरना ये सही नहीं है, ये कैसा है? गलत है। इससे और तरीका मैं बता दूंगा आपको सरल, ये कैसा है वैसे? गलत है। असमान चिन्ह हो तो कैसा होगा वो आंसर? गलत होगा। दोनों जगह असमान चिन्ह लगे हुए हैं, देखो यहां कैसा है? असमान है। फिर क्या है? अगर निष्कर्ष ए इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू सी हो तो ए ग्रेटर देन सी ए इज इक्वल टू सी, इस तरीके से कैसे? अब यहां से ए से सी तक, ए से सी तक जा सकते हैं भाई, सही हो जाएगा ठीक है। अब ए से सी तक जाएंगे लेकिन यहां पे इज इक्वल टू का चिन्ह लगा है और यहां पे क्या है? इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, तो ये नहीं होगा। तो या तो पहला या दूसरा, इस तरीके से आते हैं, या तो पहला या दूसरा। अब लास्ट नियम क्या है? यदि बराबर चिन्ह की तुलना की जाए, मान लो यहां पे आ गया आपका एक जगह आ गया बराबर और दूसरी जगह है इज ग्रेटर देन या इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, कोई भी चिन्ह है, तब किसी अन्य चिन्ह की तुलना की जाए जिस चिन्ह से, अब जैसे बराबर और इसके बीच में जो चिन्ह आ रहे हैं ए और सी से अगर तुलना कर रहे हैं तो जो इसका आंसर जो होगा ये ना हो करके ये चिन्ह हो जाएगा, दूसरा चिन्ह होगा, बराबर का चिन्ह नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा? दूसरा चिन्ह हो जाएगा ठीक है। अब अभी आपको और अच्छे समझ में आएंगे जब अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन करते हैं पहले ठीक है। कथन दिया गया है आपका f लेस देन इज इक्वल टू r, फिर h इज इक्वल टू r, फिर है l ग्रेटर देन h। निष्कर्ष पहला है आपका f l r, कर सकते हो इसे? बताओ इन दोनों में से कौन सही हो सकता है, कर सकते हो? चलिए एक में समझा दे रहा हूं, उसके बाद आप आसानी से कर लो। नियम आपको जरूर याद करने हैं। अब कथन आपको दिया गया है, ऊपर बोर्ड पे देखो, सबसे पहले इन्हें एक समीकरण में लिख लेंगे, f लेस देन इज इक्वल टू फिर क्या है r। अब r है तो R से ही शुरुआत करेंगे, तो R किसमें? इसमें, तो R R आ जाएगा, R के बाद कौन सा चिन्ह है? इज इक्वल टू H। अब यहां पे H से शुरू नहीं कर सकते, जहां से जो शुरू हुआ है, जैसे R पे खत्म हुआ है तो R से ही शुरुआत करेंगे, या यहां पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे ये नहीं समझ में आ रहा है कॉमा लगाओ, फिर क्या करना है R से खत्म हुआ है तो R शुरू करो इज इक्वल टू
एच कॉमा। अब किससे शुरू हुआ है? एच से, तो एच लिख लेंगे और कौन सा है? एल। अब इन दोनों के बीच में आप बताओ, जब चिन्ह ये परिवर्तित है तो चिन्ह भी बदल जाएगा। जो इसकी नोक है वो किधर है? एच की ओर है, तो इस तरीके से आ जाएगा। इन्हें हमने बदल दिया है, एल पहले था, एच बाद में था। अब यहां पे जब मैं सबसे पहले एच पे खत्म हुआ है तो एच से ही शुरुआत करेंगे, एच से शुरुआत करेंगे तो यहां पे आप देख रहे हो जो चिन्ह है, चिन्ह में भी बदलाव तो होगा, वैसे ही तो नहीं रहेगा। अब निष्कर्ष करेंगे, ये बना लिया आपने, अब करना क्या है? निष्कर्ष करने। एक चीज देखो, यहीं पे समझ लो, ये मान लो इस तरीके से एक दरवाजा है, ठीक है, दरवाजा है, दरवाजे के इस तरफ से जाया जा सकता है, घुस सकते हो अंदर, लेकिन इस तरफ से नहीं घुस सकते हो, ठीक है। और ये इज इक्वल टू का मतलब क्या है? हम इस तरफ से भी जा सकते हैं और इस तरफ से भी जा सकते हैं। निष्कर्ष पहला है F, इधर L, L से कहां जाना है हमें? F की तरफ जाना है। L कहां है? ये, और F कहां है? ये। देखो L से हम F की तरफ सभी दरवाजे खुले हुए मिले, हम आसानी से पहुंच गए। लेकिन अब आपको चिन्ह भी देखने हैं। अगर ये चिन्ह आ रहा है, मैंने आपको क्या बताया था, यदि ये चिन्ह आए तो इसका क्या हो जाएगा? ये चिन्ह आएगा, ठीक है, अगर ये चिन्ह आ रहा है। अब जैसे बराबर यहां से यहां तक गए, एच तक तो आसानी से पहुंच जाएंगे और यहां तक भी हम आसानी से पहुंच जाएंगे, एच से आर तक पहुंच गए। अब इन दोनों के बीच में चिन्ह कौन सा अगर कंपेयर करें तो लास्ट वाला कौन सा आएगा? अगर एल से आर की ओर जाएंगे, मैंने कहा यदि दोनों ये चिन्ह आए बराबर और ये आए तो वहां पे चिन्ह कौन सा माना जाएगा? ये वाला माना जाएगा, बराबर की जगह तुलना की जाए तो। यदि बराबर से किसी चिन्ह की तुलना की जा रही है तो चिन्ह दूसरा वाला आएगा, बराबर नहीं आएगा। अब ये बचे हैं, यही तो बचे हैं, आर से यहां तक जाएंगे तो आसानी चले जाएंगे, तो पहला समीकरण कैसा है हमारा? सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप ये देख लो, एक चीज यहीं पे फिर से समझ लो, L से हमें कहां जाना है? F की ओर। F से, अब L की ओर तो जा नहीं सकते, सीधा दरवाजा बंद है, कहां जाना है? L से F की ओर, जिधर दरवाजा खुला हुआ है उधर से ही चलेंगे। L से H की तरफ हम आसानी से आ गए, क्यों? दरवाजा खुला हुआ है। H से फिर हम R तक आसानी से आ गए, क्योंकि दरवाजा खुला हुआ। अभी आप R तक ही आए, ये समझो दो चिन्हों में तुलना हो रही है। यहां पे एक चिन्ह ये है, दूसरा चिन्ह ये है। मैंने आपको ये बताया है यदि दो चिन्ह दिए गए हों और बराबर हो और बराबर के साथ किसी दूसरे चिन्ह से तुलना की जाए तो दूसरा चिन्ह उत्तर होगा, चिन्ह आएगा, बराबर वाला वहां नहीं आएगा। तो यहां इस चिन्ह का ये बन जाएगा, बराबर की जगह ये आ जाएगा। अब ये जो चिन्ह बचा है, ये बचा आपका, ये जाएगा कहां? आर की तरफ, और आर से कहां जाएगा? एफ की तरफ। तो दोनों चिन्ह कैसे हैं? सेम। जब सेम चिन्ह हो तो सेम ही आंसर होगा। दूसरा क्या है? एल से आर की तरफ आना है। अब एल से आर की तरफ आना है, देखो पहले दरवाजे से एच से आए, एच से हम आर की तरफ आए, लेकिन इन दोनों चिन्हों में तुलना करेंगे तो आंसर में ये आना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है? केवल लेस देन आ रहा है, इसलिए दूसरा गलत। नोट करो इसे जल्दी। दूसरा सवाल करो, कथन है आपका m इज इक्वल टू k, m लेस देन इज इक्वल टू t, j इज ग्रेटर देन k। निष्कर्ष पहला है आपका k इज इक्वल टू t, दूसरा है k लेस देन t। अब बताओ भाई, करो इसे सॉल्व।
दोनों सही है, है? शिवम नीचे वाला सही है। आप लोग बताओ, सब लोग का दूसरा आ रहा है, कर लिया नहीं? चलो देख लो इधर, जिसका नहीं आ रहा है, जिसका आ गया वो भी देख लो। पहले इसे तो समीकरण के रूप में लिखेंगे, m इज इक्वल टू k, ये तो पहला लिखना है। अब कहां से शुरू हो रहा है, खत्म कहां हो रहा है, k पर, तो k से ही शुरू होगा। अब लेकिन यहां लिखा है j k, क्या लिखा है, j और k। अब इसे हम अपोजिट लिखेंगे तो k j हो जाएगा। जब चिन्ह इस तरीके से, तो चिन्ह भी अपोजिट हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि हमें शुरुआत कहां करनी है, k से, तो कॉमा k और फिर क्या आ जाएगा, j। अब अपोजिट मैंने यहां इनके अपोजिट लिख दिया है। ये अपोजिट क्यों लिखा है, क्योंकि यहां पर k से खत्म हो रहा है, चिन्ह भी बदल जाएगा, चिन्ह j की तरफ नॉक है तो इधर किधर हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, j की तरफ ही नॉक हो जाएगा। फिर क्या है आपका, ये बचा m, तो m ये रहा m, फिर ये वाला यही आएगा कि नहीं, m की तरफ नॉक होगी, तो m की तरफ करिए, ठीक है, क्योंकि चिन्ह बदले हुए, जब ये बदले m t है, तो t m मैंने किया हुआ है, तो इनके जो चिन्ह इस तरीके से था m की तरफ नुक, तो m की तरफ ही नुक करिए। समीकरण बना लोगे कि नहीं बना पाओगे, समीकरण तो सभी का बन गया होगा। अब निष्कर्ष पहला क्या है, k से t तक जाना है। अब k ये रहा और t ये रहा, देखो k से अगर t की ओर जाएंगे, पहले दरवाजे के अंदर तो घुस गए, लेकिन दूसरा दरवाजा क्या है, बंद है, नहीं घुस पाएंगे, तो पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा भाई, दरवाजे तक हम जा ही नहीं पाए। अब फिर से कहां से जाना है, t से k या k से t, बात तो वही है। देखो अगर t से k जाएंगे, अगर ये भी देखो कहां से जाना है, t से k की तरफ जाना है, लेकिन t से k की तरफ जाएंगे आप क्या पहुंच गए, ठीक है, हम भाई यहां से दरवाजा खुला हुआ मिला, m तक गए, m से फिर दरवाजा खुला हुआ मिला, k तक पहुंच गए। लेकिन जो चिन्हों की जो तुलना की गई है कि बराबर का चिन्ह हो, तो बराबर के चिन्ह के साथ यदि दूसरा चिन्ह आए तो वो आंसर होगा। तो यहां पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू है, लेकिन यहां पे ग्रेटर देन इज इक्वल टू है नहीं है, तो ये भी कैसा है, गलत है। और एक चीज देखो, कैसे टी जा रहे, कैसे टी जा रहे, जब भी इस तरीके से समी निष्कर्ष आए तो वहां पर अगर दोनों गलत है तो आंसर होगा या पहला या दूसरा, इस तरीके से। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, या पहला या दूसरा अनुसरण कर रहा है, नोट कर लो इसे, या पहला या दूसरा, हाँ दोनों अगर सही है तो दोनों अनुसरण कर रहे हैं, ये वाले दोनों कर लिए, नियम लिखाए हैं भाई वो, इसीलिए नियम लिखाए गए हैं आपके। करिए भाई इसे, अगला सवाल, चौथा एक तीसरा, तीसरा है जो भी है, तीसरा है जो भी, सॉल्व करो इसे। दोनों सही है, केवल पहला सही आशीष, दूसरा जैसा है गलत। अरे भाई तुम्हें दरवाजे मिलते जा रहे हैं, घुसते चले जाओ, खुले हुए मिल रहे हैं तो दरवाजे से घुसते चले जाओ, लेकिन ये भी देखो दरवाजा एक जैसा हो, दरवाजे अलग अलग हैं, किस तरीके से है उसे आपको फॉलो करना है नियम, इसीलिए मैंने लिखाए हैं। हाँ दिलीप आया नहीं, ऊपर लिखी पी,
लास्ट वाले में डी है। समीकरण तो बना लिया होगा सभी ने, एल इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू पी। अब पी इज इक्वल टू बी, यहां पे चिन्ह से कोई मतलब नहीं, चाहे ऐसा लिखो चाहे वैसा लिखो, ठीक है। अब बी पे खत्म हो रहा है तो बी से शुरू कर दो, बी जैसा दिया गया वैसे लिख दो, समीकरण ये बन गया होगा, ठीक है। यही तो बनेगा, ये गलत बना किसी का, यहां तो चिन्ह बदले नहीं होंगे भाई, बी वी पे खत्म हो रहा है तो बी से ही तो ये शुरू हो रहा है, जैसा है वैसे ही लिख दो इसे, ऐसा नहीं है कि हमें स्पेशल इसे भी उल्टा कर दोगे, इसे उल्टा कर दोगे, नहीं कर सकते। हाँ, निष्कर्ष पहला क्या है, एल से कहां जाना है हमें, वी तक जाना है। देखो एल से वी तक, एल से पी तक हम दरवाजा खुला है आसानी से आ गए, पी से भी दरवाजा खुला हुआ मिला हम बी तक आसानी, तो एल से बी तक तो हम आसानी से पहुंच गए। लेकिन अब आपको ये देखना है कि चिन्हों में जो तुलना हो रही है तो कैसी हो रही है। मैंने कहा बराबर के साथ यदि कोई दूसरा चिन्ह हो तो वहां बराबर नहीं आंसर होगा, क्या होगा, दूसरा वाला ही आंसर होगा। क्या यही है, बस तो ये पहला वाला सही है। दूसरा देखो, एल से डी, अब एल से मैं कहां जाना है, डी। एल से पी तक गए आसानी से, पी से वी तक भी गए आसानी से, लेकिन बी से दरवाजा बंद मिला तो पहुंच ही नहीं पाए, तो भाई दूसरा गलत, करने की आवश्यकता ही नहीं है, जहां दरवाजा मिला बंद तो भाई लौट आए, क्या आवश्यकता है, ठीक है। अगला लिखो, इसे करिए, पहला गलत दूसरा गलत, आंसर या पहला या दूसरा, सही बात है भाई, दोनों ही गलत हैं। अब देखो किस तरीके से, अब इसका समीकरण बनाएंगे तो F और R है, अब R से खत्म हुआ है तो H, अब S से शुरुआत करेंगे तो अब आप ये देख रहे होंगे L और H अपोजिट लिखे गए हैं, तो इन्हें जब अपोजिट बदलेंगे तो H पहले आ जाएगा, L कहां पहुंच जाएगा, लास्ट में। ये जो चिन्ह है इसके जो नोक है वो किस तरफ है, H की तरफ, तो इस तरीके से H की तरफ कर देंगे, ठीक है। पहला है कहां से जाना है, L से F की तरफ जाना है। अब L से हम H की तरफ आसानी से आगे, दरवाजा खुला हुआ देखो मिल रहे हैं, तो हम कहां तक पहुंचे, F तक। अब क्या करना है, पहुंच तो गए हैं लेकिन बीच में हमें चिन्ह मिल रहे हैं, अब ये चिन्ह देखने क्या सही है। देखो यहां से यहां तक आएंगे R तक तो दो चिन्ह पड़े, लेकिन मैंने आपको बताया यदि बराबर के साथ दूसरा कोई चिन्ह है तो इसका जो आंसर होगा दूसरा ही चिन्ह आएगा, ठीक है। अब यहां से आर की तरफ जाएंगे तो दोनों जो चिन्ह आए हैं वो कैसे हैं, सेम हैं, लेकिन यहां क्या है, आंसर सेम नहीं है, तो पहला कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, एफ से कहां जाना है, आर की तरफ। अब एफ से हमें आर की तरफ जो तो पहले ही दिया लेकिन दरवाजा बंद है, तो हम भाई दूसरा भी कैसा है, गलत है। अब यहां पे या तो ना तो क्यों नहीं हो सकता है, यदि समीकरण सेम जैसे होते तो निष्कर्ष, जैसे एफ एल तो यहां भी एफ एल होता तब कह सकते थे या तो पहला या दूसरा, लेकिन यहां दोनों ही कैसे हैं, अलग अलग।
इसे करो गलत लिखा है, गलत लिखा है, यहां सही कर लो। अब सही कर लो, गलत लिख गया था, करो इसे सही। अब करके देखो, अब पहला सही है लेकिन चिन्ह बदल गया है, पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है। अरे अमित बाबू, बी इज इक्वल टू सी, फिर सी और डी सीधे सीधे लिख दो। अब पहला क्या है, सी से में कहां जाना है, ए तक, सी से देखो ए तक आसानी से पहुंच गए, पहुंच गए। अब सी और ए के बीच में चिन्ह दो दिए तो आंसर ये वाले माना चाहिए, तो देखो वही तो आ रहा है। अरे तुम सी से और यहां से उल्टे नहीं जा रहे, ये नहीं देख रहे, यहां से ए से सी तो दिया गया है, ये है, यही तो है। क्या आ जाएगा, कौन सा सीधा, कौन सा सीधा, जिधर मुंह खुला हुआ होगा उधर से चलेंगे, ठीक है, इतना याद रखो। चल तो हम इधर से भी लेंगे, लेकिन जिधर दरवाजा खुला हो उधर से ही घुसोगे, और दरवाजा खुला ना होगा किधर से घुस जाओगे घर में, तो यहां से सी से चलेंगे एक ही तरफ, सी से एक ही तरफ आसानी से हम पहुंच गए, लेकिन चिन्ह देखेंगे तुलना करेंगे तो ये चिन्ह आंसर आना चाहिए, यही तो आना चाहिए। तो लेकिन यहां से आपका ए और सी इस तरीके से है, ये आंसर इसके तरीके से है, यहां देख रहे हैं तो क्या अपोजिट है, तो चले तो हम अपोजिट ही है, जब सी से उल्टे करेंगे तो सी इधर आ जाएगा, ए इधर आ जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, यही तो आ रहा है, पहला सही है। दूसरा, ए से क्या डी तक जा सकते हैं, ए से डी तक नहीं जा सकते, दरवाजा पहले ही बंद है, तो पहला दूसरा गलत हो जाएगा। अगला लिखो, अब तो समझ में आने लगे होंगे कि नहीं आ रहे अभी भी, इसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, यदि कथन चार दिए गए हों या निष्कर्ष तीन दिए गए हों, करने सेम वैसे ही। इसके सभी गलत हैं, अब ठीक है लग रहा है, होशियार हो गए हो, इससे पहले आप लोग समझ नहीं पा रहे थे, हैं? ऐसा लग रहा है सर पता नहीं क्या आज पढ़ा रहे हैं क्या नहीं। हाँ
और इस तरीके से प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, एक प्रश्न तो आएगा ये सोच लो। टॉपिक दिया गया, एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन मान लो आ जाएंगे। हाँ, कर लिया कि नहीं कर पाया? अरे भाई किसने किसने नहीं कर पाया? अनुप्रिया हो गया, इधर आनंद हो गया। चलो भाई देखते हैं। अब एम से खत्म हुआ है तो एम से ही शुरू हुआ, सीधे सीधे लिख दो। अब डब्ल्यू से खत्म हुआ है तो डब्ल्यू से ही शुरुआत होगी आर, लेकिन यहां पे जब हम बदलेंगे तो चिन्ह भी बदल जाएगा। अब चिन्ह किसकी तरफ है? नो, आर की तरफ, तो आर की तरफ कर दो। खत्म आर पे हुआ है तो आर से स्टार्ट कर दो, और चिन्ह इस तरीके से तो वी इस तरीके से जाएगा। अब करना है क्या? वी से एम की तरफ जाना है। देखो वी ये रहा और कहां जाना है? एम की तरफ। देखो गए भाई आर तक आ गए, लेकिन आर से दरवाजा बंद मिला तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाए। दूसरा क्या? एफ से मैं कहां जाना है? डब्ल्यू की तरफ। एफ ये और डब्ल्यू ये है। एफ से एम तक आ गए, दरवाजा खुला है, लेकिन एम के बाद दरवाजा बंद है तो ये भी गलत। अब एफ से कहां जाना है? आर की तरफ। एफ से आर की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि दरवाजा बंद है। तो तीनों ही समीकरण कैसे हैं? गलत। अब अगला टाइप है इसी का ही। अब उसमें क्या संकेत दिए गए? उसमें संकेत कैसे हैं? कह दिया ए स्टार बी का अर्थ है ए बड़ा है बी से, या छोटा है डी से, या बराबर है बी से, या बड़ा बराबर है सी से, इस तरीके से। ठीक है, वो हम आपको कल कराएंगे। विलोम शब्द लिखिए अब आप, और पूछ रहे पहले तो पूछे।